हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजवी मोटर्स एंड टेक्नोलॉजी में। आज आपको बताएंगे सभी मैकेनिक एक गलती करते हैं पर ये ना करें, आपको बताएंगे क्या दिक्कत आती है और क्या गलती कितनी महंगी पड़ती है। ये हमारे हाथ में कैटेलिक कन्वर्टर, ये हालांकि ये चोकअप हो चुका है, हमारी गाड़ी ओवरहीट होने के हिसाब है ये पूरा का पूरा चोकअप हो चुका था। तो आपको दिखाते हैं किस कंडीशन में ये रहता है और क्या इसमें होता है। कैटेलिक कन्वर्टर की मिट्टी है, हमारे कैटेलिक कन्वर्टर जो है वो गल चुका है, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो केस ऐसे भी बने हैं के इको गाड़ी थी, इको में से साइलेंसर वो चोरी करके ले जाते हैं और बाद में उसको निकाल लेते। हिसाब से आपकी गाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देगी और जो है पोल्यूशन ज़्यादा करेगी। ये पोल्यूशन कम करने के लिए दिया गया है, बट अगर आपकी गाड़ी हीटिंग हो, चलने में दिक्कत हो, तो आप इसको निकालें और हो सके तो इसको रिप्लेस ही करें, शोरूम में से नया लेके इसको रिप्लेस ही करें। बट क्योंकि इसका जो है ये एयर पोल्यूशन कम करता है और गाड़ी के परफॉर्मेंस में बहुत रोल होता है इसका, हम भी इसको निकालेंगे, कस्टमर को दिखाएंगे। अगर कस्टमर बोलेगा कि हाँ ये हमें रिप्लेस करना है, हम डेफिनेटली रिप्लेस करने पर ही अपना ज़्यादातर प्रेशर होगा, क्योंकि ये अगर रिप्लेस हो जाए, नया आ जाए कैटेलिक, तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस गाड़ी देगी, अच्छी तरह से चलेगी और पोल्यूशन जो है अभी हमारे देश में जो समस्या है पोल्यूशन की, इसके हिसाब से इसको रखना ही बेहतर है। इसलिए आपको दिखाएंगे किस तरह से ये ख़राब हो चुका है और क्या इसमें है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये गल के पूरा का पूरा, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा गल के चोकअप हो गया है। ये पूरा कैटेलिक जाम हो गया है, चोकअप हो गया है। ये गल के इस कंडीशन में हो गया कि ये एयर पास जो एग्जॉस्ट का गैस आता है उसको पास नहीं कर सकता, तो इसमें हम। तो फ्रेंड्स, ये निकल चुका है इसका कैटेलिक का जो मिट्टी आती है वो सब, आप देख सकते हैं इसमें। जरा जूम करो, जूम करो, जूम करो, मैंने ऊपर फोकस कर, ये देख सकते हैं हमारे पास पूरा का पूरा कैटेलिक का जो अंदर का मिट्टी थी सब है, ये पूरा का पूरा गल चुका है। देखिए ये गल के इस तरह से हो चुका है, ये सब पूरा, ये हमारी कार ओवरहीटिंग होने के हिसाब से ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो इसको हम जब नया कैटेलिक डालेंगे तभी ये होगा। अगर ये हमारा कैटेलिक जाम हो, आप देख सकते हैं ये पूरा पिघल चुका है, गल चुका है और एक अलग ही शेप उसने ले लिया है, जो इसमें ये होल होते हैं इस तरह से, ये पीछे के साइड से बंद हो गए हैं और पूरा इस तरह से जाम हो गया है। तो इसीलिए हमने इसका कैटेलिक अभी टाइम फ्री लगाने के लिए क्लीन कर दिया है, अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे। बट एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अब चीज़ का ध्यान रखें मेरे मैकेनिक भाई, कि हमारे इसमें कैटेलिक आता है जो वो हो सके जितना हो सके उतना इसको सेफ रखने की कोशिश करें, और अगर इसको जाम हो तो इसको तोड़े मत। अगर गल चुका है तो फाइनली निकालना ही पड़ेगा, बट अगर ये जाम हो चुका है तो ये क्लीन हो चुका, बट इसको तोड़े मत,
तोड़ने से क्या होगा, जो डीजल गाड़ी है उसमें पोल्यूशन की दिक्कत होती है, तो ये पोल्यूशन ज़्यादा करेगी और हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करेगी। तो प्लीज़ ये ऐसी गलती मत करें। अगर आपका कैटेलिक गल चुका है, ये लगभग पेट्रोल कार में ही होता है, अगर कैटेलिक गल चुका है तो ही इसको तोड़े, और हो सके तो रिप्लेस करे, नया डाले, बट इसको ऐसे ही ना रखे। हम भी इसको नया डालने वाले हैं, अभी बजट छोटी गाड़ी है इसलिए थोड़ा सा बजट अप हो रहा है, इसलिए इसको तोड़ कर क्लीन कर कर हम इसको फिटिंग करेंगे, 5-7 दिन या 10 दिन के बाद इसको नया रिप्लेस डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।